तो आइए एक बार फिर से वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश के आज दिन भर से लेकर सभी मुख्य समाचार ताजा। सीएम योगी द्वारा किए गए सभी बड़े ऐलानों को, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए उत्तर प्रदेश वासियों के लिए नए ऐलानों को। उससे पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करें। उत्तर प्रदेश में हुआ हाई अलर्ट, केरल में बम के बाद केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और केरल पुलिस से साधा संपर्क। जी हां, केरल के एर्नाकुलम में कन्वेंशन सेंटर में बम के बाद यूपी में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। यूपी एटीएस और समस्त जिलों की पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के साथ संदिग्धों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इसराइल फिलिस्तीन से जुड़े हर विरोध प्रदर्शन पर पैनी नजर रखने को कहा गया है। वहीं स्पेशल डीजी उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने जानकारी दी है कि इसराइल हमास के बाद पहले भी अलर्ट किया गया था, लेकिन केरल की हालिया घटना के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। एहतियात के तौर पर इसराइल और फिलिस्तीन के समर्थन को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में दीपोत्सव का निमंत्रण दिए गए हैं सीएम योगी। बोले हैं, रामलला के विराजमान होने के बाद सभी को अयोध्या आना है। जी हां, आपको बता दें कि औरैया जिले में महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए जुटी महिलाओं की भीड़ ने तालियों के साथ सीएम योगी का जोरदार स्वागत किया। 30 मिनट के संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नारी शक्ति से लेकर विकास व बदली व्यवस्था पर बोले। इस दौरान पंडाल में जय श्री राम के नारे लगते रहे। संबोधन की शुरुआत जहां शरद पूर्णिमा व वाल्मीकि जयंती के साथ की, वहीं समापन पर दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव पर्व का निमंत्रण भी दे गए। बता दें कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी औरैया से जाते जाते कह गए हैं कि सभी लोगों को अयोध्या आना है। वैसे आप लोगों में से कितने लोग अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे, कमेंट जरूर करें। कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जनेश्वर मिश्र पार्क तक साइकिल यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। जी हां, बता दें कि 30 अक्टूबर को लखनऊ में अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जनेश्वर मिश्र पार्क तक साइकिल यात्रा में सम्मिलित होंगे। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स के जरिए दिल्ली लखनऊ हाईवे पर छात्रा के साथ मोबाइल की लूट की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जब सरकार सोती हुई या कुछ करती हुई न दिख रही हो तो अपराध रोकने के लिए विपक्ष को कहना ही पड़ेगा कि सुप्त भाजपा लुप्त भाजपा। जी हां, आपको बताने की अखिलेश यादव ने उन पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर सतर्क हुई सरकार, गांव-गांव से आंकड़े जुटाने का बनाया प्लान, जानिए वजह। जी हां, मौसम के रूप में लगातार हो रहे परिवर्तन और असामान्य बारिश ने सरकार के सामने भी चुनौती खड़ी कर दी है। इसकी वजह से शासन को सही आंकड़े नहीं मिल पा रहे हैं। इस समस्या को आजमगढ़ के उदाहरण से समझा जा सकता है। दरअसल मानसून के सीजन में पिछले कुछ वर्षों से जिले में कई झमाझम बारिश तो कई सिर्फ फुहारे ही पड़ रही हैं। ऐसे में प्रशासन ने ब्लॉक स्तर ऑटोमेटिक रेन गेज और तहसील स्तर पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। इन यंत्रों के लगने के बाद ब्लॉक स्तर से सभी गांव में होने वाली बारिश का सही आंकड़ा आसानी से मिल जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में इस बार 10 दिसंबर तक कुल 350 मिमी बारिश हुई है, लेकिन तहसील स्तर पर बारिश के आंकड़ों में काफी अंतर है। उत्तर प्रदेश के इकाना के बहाने दिलचस्प दौर में पहुंचा यूपी का सियासी मैच। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड देखने पहुंचेंगे योगी और अखिलेश। जी हां, लखनऊ के इकाना स्टेडियम के मैदान पर आज यानी रविवार को आईसीसी विश्व कप में अब तक अजेय भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ जीत का छक्का लगाने के इरादे से उतरेगी। इस बीच अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इकाना स्टेडियम के बहाने यूपी में सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के बीच सियासी मैच भी दिलचस्प दौर में पहुँच चुका है। बताने की इकाना स्टेडियम का क्रेडिट यूपी में 2012 से 2017 तक रही अपनी सरकार को दिलाने की कोशिश में पिछले कुछ दिनों से सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर तंज कस रहे हैं। बता दें अब कि पिछले दिनों वह इकाना स्टेडियम में बल्लेबाजी करते भी नजर आए। अब पता चला है कि आज शाम इकाना की पिच पर भारत और इंग्लैंड की भिड़ंत देखने के लिए सीएम योगी के अलावा वह भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में जेपी सर्वोदय विद्यालयों में ग्रामीण छात्र भी बोलेंगे धारा प्रवाह अंग्रेजी, नई पहल शुरू। जी हां, प्रदेश में स्थित कुल 105 जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भी धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सके, इसके लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहीं अशोक फेलो लीव फॉरवर्ड संस्था की ओर से आज से जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम अंग्रेजी साक्षरता प्रोग्राम संपन्न हुए। इस कार्यक्रम के तहत शिक्षकों के अंग्रेजी विषय की समझ विकसित किए जाने के लिए साथ ही अंग्रेजी भाषा को सरलता से समझने और बोलने के लिए भी प्रशिक्षण दिया गया है।
उत्तर प्रदेश के लोग ठगों से सावधान। किसी को टेलीग्राम पर मिल रहा टास्क तो किसी के एनीडेक्स से खाता खाली। जी हां, तमाम जागरूकता अभियानों के बावजूद साइबर ठगी पर रोक नहीं लग पा रही है। बता दें कि अब यूपी के बरेली में साइबर ठगों ने फौजी समेत 3 लोगों को करीब 72 लाख रुपए का चूना लगाया। तीनों की मामलों में पीड़ित ने साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस आरपीओ के बैंक खाते और नंबर की डिटेल खंगाल कर मामले की जांच कर रही है। लेकिन अगर यूपी का कोई भी व्यक्ति साइबर क्राइम का शिकार हो तो वह हेल्पलाइन 1930 पर भी शिकायत कर सकता है। यह हेल्पलाइन 24 घंटे कार्यरत रहती है। ऑनलाइन नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल पर भी साइबर क्राइम से जुड़ी शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा साइबर थाना, साइबर सेल या किसी अन्य थाने में भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। पुलिस भी जांच करेगी। तो आप इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। उत्तर प्रदेश में डेंगू से मचा हाहाकार। बरेली के 220 गांव में बुखार का कहर, कई लोग चल बसे। जी हां, डेंगू बुखार ने बरेली जिले में अब तक का सबसे खतरनाक किया है। शहर से देहात तक हाहाकार मचा। जिले में पहली बार मरीजों का आंकड़ा 700 तक पहुंचा है। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कोशिशें भी असर दिख रही है। मलेरिया के बाद अब डेंगू बुखार के कहर से चिकित्सा व्यवस्था भी लड़खड़ा गई है। वहीं अब जिला पहले से ही मलेरिया का डेंजर जोन रहा, लेकिन इस साल भी यहां 3300 से अधिक मरीज मिल चुके हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब मलेरिया के बाद डेंगू बुखार भी कहर बरपा रहा है। उत्तर प्रदेश के खेतों में सिंचाई पानी से लेकर पेयजल तक 4 दशक लंबित परियोजना पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार से होगा एमओयू। जी हां, यूपी और उत्तराखंड के बीच बहुप्रतीक्षित परियोजना पर जल्द ही एमओयू होगा। पिछले 4 दशकों से लंबित इस परियोजना के धरातल पर उतरने से लोगों के खेतों में सिंचाई के लिए पानी सहित पेयजल की सुविधा मिल पाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध का शिलान्यास और सिंचाई के पानी को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के साथ शीघ्र ही एमओयू किया जाएगा। बता दें आपको कि उत्तराखंड सरकार अब 25 मेगावाट से कम लंबित 32 पावर प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र से पैरवी करेगी। सीएम धामी ने गौला नदी पर प्रस्तावित जमरानी बांध को केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति से मंजूरी को बड़ी उपलब्धि बताया है। बीजेपी ने किन्नरों के साथ किया छलावा। प्रयागराज में बोली सपा किन्नर सभा की प्रदेश अध्यक्ष पायल सिंह। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किन्नरों के साथ छलावा किया गया है। भाजपा सरकार में किन्नरों के लिए कोई काम नहीं किया गया, यह आरोप समाजवादी पार्टी किन्नर सभा की प्रदेश अध्यक्ष पायल सिंह ने भाजपा सरकार पर लगाए। वह आज सपा के महानगर कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में किन्नरों की संख्या करीब 5000 है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि प्रदेश में अभी तक महज 103 किन्नरों का वोटर कार्ड बन सका है। उन्होंने कहा है कि यूपी में 15 जिलों में हमारी कमेटी बन चुकी है और जहां पर कमेटी नहीं बनी है वहां पर जल्द ही कमेटी बनाने के लिए तैयारी हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार में अपराध बढ़ा है और सरकार दावा करती है कि भाजपा सरकार में अपराध और भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। आजम खान के करीबियों पर छापेमारी का बढ़ेगा दायरा। जौहर यूनिवर्सिटी को मोटा चंदा देने वाले रडार पर। जी हां, पहले सपा नेता आजम खान के घर और अब 2 दिन से उनके करीबियों के घर पर छापेमारी चल रही है और अभी तक तो इतना ही नहीं, दायरा और भी बढ़ सकता है। सूत्रों की माने तो मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को मोटा चंदा देने वाले अब आईटी के रडार पर है। इनमें कई बड़े बड़े ठेकेदार, कुछ सफेदपोश बिजनेसमैन से लेकर अफसर हैं। वहीं पूर्व में ईडी भी ऐसे 20 लोगों को नोटिस जारी कर पूछताछ कर चुकी है। यूपी में कब है करवा चौथ। राशि और जन्म तिथि के अनुसार कौन सा रंग पहने जाने। जी हां, अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि की कामना से सुहागिनी महिलाएं करवा चौथ पर निराजल व्रत रखेंगी। चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित कर भगवान गणेश की पूजा के साथ ही व्रत का विधान पूर्ण होगा। वहीं कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत और पूजन होगा। व्रत के दिन महिलाएं नव परिधान व आभूषण धारण करके पूजा अर्चना करती हैं। बता दें आपको कि ज्योतिषविद विमल जैन ने जानकारी दी है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी 31 अक्टूबर की रात्रि 9:31 से लगेगी, जो अगले दिन 1 नवंबर को रात्रि 9:20 तक रहेगी। चंद्रोदय रात्रि 8:05 पर होगा। करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। सुहागिनी महिला निराजल व्रत रखकर भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश एवं कार्तिकेय जी की पूजा अर्चना करती हैं। वहीं करवा चौथ पर राशि के अनुसार परिधान धारण करने से सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। बता दें कि मेष राशि वाले लाल, गुलाबी एवं नारंगी, वृषभ राशि वाले सफेद व क्रीमी, मिथुन हरा व फिरोजी, कर्क सफेद व क्रीम, सिंह केसरिया लाल व गुलाबी, कन्या हरा व फिरोजी, तुला सफेद व हल्का नीला, वृश्चिक नारंगी, लाल व गुलाबी, धनु पीला व सुनहरा, मकर व कुंभ, भूरा स्लेटी व ग्रे, मीना पीला व सुनहरा।
उत्तर प्रदेश में टिकैत किसानों के बीच नहीं होते तो एनकाउंटर होता। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का विवादित बयान। राकेश टिकैत बोले, विधायक की ऐसी भाषा सुनियोजित। जिया बता दें कि गाजियाबाद में लोनी क्षेत्र के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने किसान नेता राकेश टिकैत को लेकर विवादित बयान दिया है। विधायक ने कहा है कि राकेश टिकैत ने किसानों के साथ धोखा किया है। टिकैत केवल किसानों के भेष में आए थे, अगर वो किसानों के बीच में न होते तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर उनका एनकाउंटर होता। उधर राकेश टिकैत ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि सत्ता के विधायक के द्वारा ऐसी भाषा का इस्तेमाल सुनियोजित लगता है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी इन्हीं के द्वारा साजिश की गई थी। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार उनके बयानों की गहनता से जांच करे। उत्तर प्रदेश में पेट परीक्षा आज भी गणित व जीएस ने उलझाया। कानपुर के 68 केंद्रों पर दो पाली में हो रही परीक्षा सेक्टर मजिस्ट्रेट ने सीसीटीवी से की है निगरानी। जिला उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट की प्रारंभिक पात्रता परीक्षा कानपुर जिले में कल और आज भी संपन्न हो गई। पहली पाली की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सेक्टर मजिस्ट्रेट ने इन सभी की सीसीटीवी से निगरानी की। उत्तर प्रदेश में हिस्ट्री सीटर की 1 करोड़ की संपत्ति जब्त। अलीगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। 13 मामलों में नामजद है आरोपी। जी अलीगढ़ में शातिर और पेशेवर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी हिस्ट्री सीटर के खिलाफ संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई कर दी है, जिसमें उसकी 1 करोड़ की अचल संपत्ति जब्त कर ली गई है। यूपी पुलिस के लिए एक लाइक जरूर कर दी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अर्धनग्न हालत में महिलाओं से की हाथापाई। चोर को पकड़ने के लिए देर रात दी थी दबिश। जूता पहनकर बेड पर चढ़े दारोगा। जी हां, आपको बता दें कि अलीगढ़ पुलिस का एक वीडियो सामने आया है। इसमें थाने के दारोगा अंधेरे में महिलाओं से मारपीट और धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। घर में मौजूद अन्य लोगों ने यह वीडियो बना लिया, जिसके बाद यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि वह एक नामजद चोर को पकड़ने के लिए गए थे। चोर उनका परिचित था और रात में उनके घर पर ही मौजूद था। जब पुलिस पहुंची तो घर के लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया और पुलिस से हाथापाई करने लगे। केरल घटना के पीछे हमास का हाथ। पूरे देश में अलर्ट। मुंबई के यहूदी इलाकों में बढ़ी गई सुरक्षा। जी हां, केरल के एर्नाकुलम में एक चर्च में हुए सीरियल के बाद पूरे देश में संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि हमने पहले उत्तर प्रदेश का हाल आपको बता ही दिया है। उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि भारत में सबसे ज्यादा यहूदी मुंबई में रहते हैं। मुंबई और पुणे के उन इलाकों और यहूदी धर्मस्थलों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बता दें आपको कि एर्नाकुलम के ईसाई कन्वेंशन में ही यह घटना हुआ है। इसमें कम से कम एक महिला चल बसी है और 3 दर्जन लोग घायल हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने तत्काल इसकी जानकारी लेने के बाद एनआईए और एनएसजी की टीमों को रवाना कर दिया है। पटेल जयंती पर मेरा युवा भारत की शुरुआत। वोकल फॉर लोकल का नारा 106वें मन की बात की प्रमुख बातें। जिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 106वें एपिसोड को संबोधित किया। 30 मिनट की रेडियो संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एक प्रमुख राष्ट्रव्यापी संगठन को शुरू करने की बात की। उन्होंने मेरा युवा संगठन का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने युवाओं से अधिक संख्या में जुड़ने की अपील की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी दिवाली पर्व के लिए वोकल फॉर लोकल का नारा दिया। साथ ही लोगों से स्थानीय प्रोडक्ट खरीदने के लिए यूपीआई पेमेंट का आग्रह किया है। तो खबरों में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें।